सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानो के चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों, किसान मानधन पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस योजना में किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर 3,000 रुपये पेंशन मिलती है। किसान की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को 1,500 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत हो चुकी है और आप इसके लिए खुद से भी आवेदन कर सकते हैं या CSC सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इस योजना के लिए 2 हेक्टेयर तक की खेती वाले जो ज़मीन वाले जो किसान हैं वो किसान इस योजना के लिए पात्र हैं और 18 से 40 वर्ष आयु वाले जो किसान हैं वे स्वैच्छिक आधार पर इस पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना को छोटे किसानों के लिए बनाया गया है और इसमें ज़मीन की सीमा इसीलिए रखी गई है। तो दोस्तों, PMKMY का पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC के जरिए किया जा रहा है। साथ ही आप इसके लिए खुद से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को कोई फीस नहीं देनी होगी और CSC में प्रत्येक नामांकन के लिए 30 रुपये का शुल्क गवर्नमेंट खुद से CSC सेंटर वालों को देती है। साथ ही दोस्तों, इस योजना के तहत पेंशन स्कीम का लिए जितना भी योगदान किसान खुद से देगा उतना ही योगदान सरकार की ओर से भी किया जाएगा। किसानों को योजना में शामिल करते समय उम्र के आधार पर 55 से 200 रुपये तक जो है महीने की किस्त देनी होगी और 18 साल की उम्र वाले किसानों को 55 रुपये और 40 साल की उम्र वाले किसान को इस योजना में शामिल होने के लिए 200 रुपये कम से कम देने होंगे। इस योजना के तहत पति पत्नी चाहें तो अलग अलग खाते अपने खुलवा सकते हैं और इस स्कीम को सरकार की तरफ से LIC चलाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस योजना का विवरण आपको दे देते हैं। तो जैसे कि हमने बताया, 60 साल की आयु पूरी होने पर आपको 3,000 रुपये की पेंशन इसमें मिलती है और किसान की जो मृत्यु होने पर उनकी पत्नी या उनके जो आश्रित हैं उनको 50% जो पेंशन है इसका जो है पेंशन उनको मिलती है। तो दोस्तों, परिवार में पति और पत्नी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 3,000 रुपये आपको इसकी पेंशन मिलती है। छोटे और सीमांत किसान जो हैं उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष के जो किसान हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जैसे कि जैसे संवैधानिक पदों पे जो किसान रहे होंगे या जो मंत्री या राज्य मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा सदस्य रहे होंगे वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड, बचत बैंक खाता या PM किसान खाता आपका होना चाहिए आवेदन करने के लिए। आवेदन कैसे करना है आपको इस वीडियो में हम आगे बता देते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको आना है manadhan.in, ये वेबसाइट है। इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आपने इस वेबसाइट पर आना है और यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, उसके बाद आप इस पेज पे पहुँच जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पहले आप देख सकते हैं सेल्फ एनरोलमेंट और दूसरा CSE VLE। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले आपको इस वीडियो में बताया कि आप इसमें खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं और CSE के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा खुद से आप कैसे आवेदन करेंगे। तो सेल्फ एनरोलमेंट के नीचे यहाँ आप क्लिक करेंगे इस तरह से। यहाँ आपको उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। तो मोबाइल नंबर अपना हम यहाँ डाल देंगे इस तरह से। मोबाइल नंबर डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे इस तरह का। यहाँ एक कैप्चा कोड डालने का हमें ऑप्शन मिलेगा। ये कैप्चा कोड यहाँ हम इसमें भरेंगे इस तरह से। कैप्चा कोड ये भर देते हैं। अब दोस्तों, जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो मोबाइल नंबर है जो हमने यहाँ दिया है उस पर एक OTP आएगा। वो OTP हमें यहाँ डालना है। तो दोस्तों, OTP आ चुका है और अब हमें यहाँ OTP जो है इंटर कर देना है। OTP आपको ध्यान से इसमें डालना है। तो दोस्तों, OTP डालने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपका इसमें लॉगिन हो जाएगा इस तरह से। जैसे कि आपने देखा इसमें लॉगिन हम कर चुके हैं। अब आपको इस तरह का एक पेज दिखाएगा। यहाँ आपने क्या करना है, आपको यहाँ डैशबोर्ड के सामने ही इस तरह का एनरोलमेंट का एक आपको पेज ये ऑप्शन मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से आप 3 योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम ऑफ ट्रेड्स एंड सेल्फ एम्प्लॉय पेंशन योजना और तीसरा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो हम इसमें किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं तो हम किसान मानधन योजना पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, आपके सामने इस तरह का ये फॉर्म खुल जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको ये फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आप यहाँ आधार नंबर डालेंगे
जैसे कि आप देख रहे हैं सब्सक्राइबर आधार नंबर यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ आपको एग्री पे क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ अपना आधार नंबर इस तरह से डाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह आपको आधार नंबर डाल लेना है और उसके बाद फैच डिटेल पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ी देर में आपका जो डिटेल है इस तरह से पेज रिफ्रेश होगा और आपकी जो डिटेल है वो फैच हो जाएगी। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ इस तरह आपने क्या इसमें क्या क्या करना है। तो ये आपने फॉर्म इस तरह से भरना है। सबसे पहले इसमें आधार नंबर डालना है, उसके बाद आप यहाँ नाम डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर आप इसमें डालेंगे, उसके बाद ईमेल एड्रेस, अगर ईमेल एड्रेस नहीं है तो भी चलेगा। उसके बाद आपने इसमें स्टेट इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। ऑल इंडिया का यही प्रोसेस इसमें रहेगा, आपने केवल यहाँ से स्टेट अपना अलग अलग चेंज कर लेने हैं। तो हमने इस तरह से स्टेट इसमें सेलेक्ट कर लेना है, या कोई सा भी स्टेट आपका है इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लेंगे, इसी तरह फिर सब डिस्ट्रिक्ट, और इसी तरह उसके बाद आपकी जो सब डिस्ट्रिक्ट जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपकी विलेज की जो ये लिस्ट है यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी इस तरह से। उसके बाद आप पिन कोड यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड की लिस्ट भी यहाँ खुद से आएगी। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ नॉर्थ ईस्ट रीजन में आप कब से बिलोंग करते हैं, या इस तरह से यहाँ ऑप्शन आएगा या नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो इस तरह से यस और नो कर देंगे। कैटेगरी उसके बाद सेलेक्ट करेंगे एससी एसटी बीएस ओबीसी या जनरल इस तरह से। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं एसएमएफ और नॉन एसएमएफ, ये आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ जो डिक्लेरेशन बॉक्स है इस पर आप क्लिक करेंगे इस तरह से, जैसे कि हमने आपको बता दिया है। अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद आपको जो आपका जो किसान मानधन योजना का जो आवेदन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ सीएससी के माध्यम से कैसे आवेदन करना है वो बता देते हैं। नामांकन करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, सीएससी के माध्यम से आधार कार्ड और आईएफएससी कोड और बैंक की पासबुक आपको चाहिए होगी। इसमें आपने क्या करना है, सीएससी के पास जाना है और वहाँ आपको इसी तरह से आपको आवेदन वो आपका करेंगे और आपकी जो टोटल जो आपकी पेंशन जो कटेगी उसका यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों मासिक योगदान आपको किस तरह से करना है यहाँ आप देख सकते हैं। प्रवेश आयु आप देख सकते हैं 40 वर्ष तक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं अगर 18 वर्ष का कोई किसान आवेदन करता है तो उसको जो उसका मासिक जो शुल्क बैठेगा 55 रुपये बैठेगा और कुल जमा जो उसके खाते में होंगी 110 रुपये होंगे। इसी तरह 19 वर्ष का जो किसान होगा उसको 58 रुपये देने होंगे और 116 रुपये टोटल उसके अकाउंट में जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जितने आप खुद से जमा करेंगे उतने ही सरकार भी आपके अकाउंट में जमा करेगी। तो इसमें आयु के हिसाब से पैसे आपके जमा होंगे। तो इसी तरह आप देख सकते हैं अगर 39 साल का किसान इसमें आवेदन करेगा 190 रुपये उसको देने होंगे, 190 रुपये ही सरकार भी देगी, इस तरह से 380 रुपये कुल उसके खाते में जमा होंगे। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं मासिक योगदान के बारे में। और लाभ इसके आपको बता देते हैं, जो पात्र अगर जो किसान है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके जो है पत्नी या परिवार पेंशन पति जो भी इसमें होगा उनको लाभ मिलेगा। अगर यदि विकलांग हो जाता है या अक्षम हो जाते हैं तो इसके बाद जो योजना जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा जारी रहेगी और जो किसान होगा उसको जो है पेंशन मिल जाएगी। योजना को छोड़ने पर क्या लाभ होते हैं वो भी आपको बता देते हैं। यदि कोई पात्र ग्राहक या किसान इस योजना को छोड़ देता है तो आवेदन तिथि से कम 10 अवधि के भीतर निकलता है तो उसके द्वारा केवल अंशदान का अंशदेय ब्याज की बचत बैंक के साथ उसे वापस कर दिया जाएगा, यानी कि जितने पैसे आपने दिए हैं उस पर आपका जो ब्याज बनेगा वो आपको लौटा दिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं इस योजना के लाभ और विशेषताएँ आप यहाँ से पूरी देख सकते हैं और इसी तरह से आपने आवेदन भी इस योजना के लिए कर लेना है। तो दोस्तों किसान मानधन योजना के लिए आपने कैसे आवेदन करना है हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। और किसान मानधन योजना आवेदन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और किसान मानधन योजना की जो वेबसाइट है आवेदन की उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किसानों से रिलेटेड अन्य जो योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड वीडियो दोस्तों हमारी इस चैनल पे हम लाते रहते हैं और आपका जो क्वेश्चन होते हैं आपकी जो समस्याएँ होती हैं उनसे रिलेटेड वीडियो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।